ओ स्वादिश, क्या हाल चाल? आई होप अच्छी होगे सब। मैं साहिल स्वागत करता हूँ आप सबका स्वाद मिनिस्ट्री द बजट ऑफ टेस्ट में। यह है हमारी सीरीज बजट 100 का एक और एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सॉरी काश वीडियो लेट होने के लिए, थोड़ा काम था, पर कोई नहीं। नेक्स्ट वीक से हर वेंसडे और फ्राइडे को शाम को 7 बजे वीडियो यूट्यूब पर होगी आपके सामने। पर वीडियो देखने से पहले ना एक काम कर दो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो, और जो नीचे बेल आइकन दे रखा ना उसे दबाओ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब देखो, अब जी आप लोगों ने छोले बनते हुए तो बहुत ही बार देखे होंगे, पर कभी ऐसा सुना है, कभी ऐसा देखा है कि बिना ऑयल के और बिना प्याज लहसुन के छोले बने हो? नहीं ना। तो आप लोगों को यही दिखाने आज मैं लेके आया हूँ ईस्ट दिल्ली में। ईस्ट दिल्ली में भी कहाँ पे? शाहदरा। और शाहदरा में भी कहाँ पे? आपको लोकेशन बता दूँ, कबूल नगर में। कबूल नगर में यहीं पर नियर बाई लोकेशन है साईं बाबा मंदिर। आप साईं बाबा मंदिर के पास पहुँच के किसी से ही पूछ सकते हैं भगवान दास छोले मिट्टी वाला कहाँ पे है, सब वहाँ पे बता देंगे, फेमस ही इतने हैं। तो चलिए फिर आपको मेकिंग भी दिखाते हैं और लोगों से पूछेंगे भाई कैसे लगा उन्हें खाना। आइए, तो चलिए भैया से पूछते हैं कि आप एक खाते हुए कैसे लगाए थे। तो पहले भैया आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम फिरोज़ खान है, मैं पिछले 25 सालों से यहाँ पर आ रहा हूँ। और पहले इनके दादाजी बेचा करते थे, फिर इनके पिताजी, अभी ये बेच रहे हैं। बहुत टेस्ट वही का वही है, वैसा ही है टेस्ट, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं है, बहुत ही अच्छी आइटम है। तो आपने क्या मंगाया है यहाँ पे? मट्टी छोले। ये छोले मट्टी हैं, छोले मट्टी मंगाए हैं भैया ने। तो टेस्ट एकदम बेस्ट है, बेस्ट टेस्ट है। ऐसा टेस्ट आपको पूरे शाहदरा जमुना पार में तो मिलेगा नहीं, बिना घी के, बिना तेल के, बहुत अच्छी आइटम है। मतलब हर कोई खा सकता है नवरात्रों में बिना? बिल्कुल निश्चिंत हो के वेज है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो है पिछले 25 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे खाने के लिए। 20-25 साल से अंकल आ रहे हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं इनका टेस्ट कैसे बना हुआ है इतने सालों से। तो हम भी अब भैया से बात करते हैं और अपनी प्लेट भी मंगवाते हैं। अपना नाम बताइए। ओम प्रकाश। ओम प्रकाश नाम। तो कितने साल हो गए आपकी दुकान को? 30-40 साल हो गए। 30-40 साल। क्या टाइमिंग क्या आपकी है दुकान? 9 बजे से 5 बजे तक। सातों दिन खुलते हैं आपकी? सातों दिन खुलती है। तो भैया के छोलों में जो है ना, बिना ऑयल बिना लहसुन प्याज वगैरह डलते हैं, मतलब इसे कोई भी खा सकता है। तो नवरात्रों में क्या में भी देखो, नवरात्रों में भी आप बेझिझक खा सकते हैं। तो छोले का कलर जो इनका है वो पूरा मसालों का है। अगर आप ईस्ट दिल्ली में रहते हो या फिर ईस्ट दिल्ली के आसपास आए तो यहाँ पे आके छोले खा के जाए, भगवान दास छोले छोले वाला। भैया एक बार लोकेशन बता दीजिए। कबूल नगर। कबूल नगर में, कबूल नगर गुरुद्वारा, यहाँ पे नियर बाय है साईं बाबा मंदिर। तो भैया हमारे एक बना दो, एक मट्टी छोले और एक भीगा उलचा। चलिए अब मेकिंग देखते हैं भैया कैसे बनाते हैं। ये भैया इसके अंदर डाल दिया,
भैया इसमें कितने टाइम तक रखते हो कुलचे को? 5 मिनट तक कुलचा अंदर ही रहता है। देखो कलर, ये हमने यहाँ पे सुना है कि ये बिना ऑयल के बनाते हो आप, बिना प्याज लहसुन के, सही है ना? तो मतलब ये कलर भी क्या है, कैसे आया इसका? देगी मिर्च से बना है। देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे देख असली देगी मिर्च का कलर, ये हमारा भीगा कुलचा बाहर निकल आ चुका है। देखो ये हमारा भीगा कुलचा बन चुका है, तैयार हो चुका है। तो हमारे बन रहा है मट्टी छोले, मट्टी छोले की मिकी मवाई होती है। मट्टिया क्रश कर लिया भैया ने, गूगल पे हो या पेटीएम पे हो नंबर दे दियो मुझे, इसके पेटीएम वो कर दूंगा पैसे, सामान सामान ले लूंगा इसका, ठीक है? यश के थोड़े से चावल छोले देखो अभी अभी बन के आए हैं, ये गर्मा गर्म छोले में से अभी भाप निकल आई है। तो ये भैया ने अपना मसाला डाल दिया, खुद का बनाया हुआ स्पेशल मसाला भैया का कल है, और ये मक्खी छोले बन गए। अच्छा ये किसी और के थे? ये तो मजाक हो गया हमारे साथ। अब आए हैं हमारे बन के, तो चलिए आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसा है। हाँ दो राइस लगा देना भैया, ये हमारा बन चुका है ये सब। अब हम आपको टेस्ट करके बताएंगे, हम भी रिव्यू देंगे कैसा है इनका। ये हमारे मट्टी छोले लग चुके हैं, ये है हमारे भीगा कुलचा रायता। तो चलिए अब हम भी टेस्ट करके बताते हैं। पहले भाई आइए भीगे कुलचे की, कुलचा देखो किस तरीके से भीग के सॉफ्ट हो चुका है। सॉफ्ट कुलचा, ऊपर से छोले, हर टाइप का बंदा खा सकता है। नवरात्रों में भी आप बेझिझक खा सकते हैं इसको, और जो लहसुन प्याज नहीं खाते वो भी आराम से खा सकते हैं। इनके मसालों का जो टेस्ट है ना अलग से ही, इनके अपने स्पेशल बनाए हुए मसाले हैं। कुलचा एकदम इतना सॉफ्ट है, और ऊपर से इसका कलर देख रहे हो, एक तो छोलों का, छोलों का कलर एकदम देगी मिर्च का कलर है, ये असली देगी मिर्च। और हम आपको टेस्ट करके बताते हैं मट्टी छोले, मट्टी छोलों का एक बार में तो आपने फर्स्ट टाइम ही सुना होगा मेरे ख्याल से। तो मट्टी छोले आज तक आपने देखे नहीं होंगे शादी के अलावा। इन छोलों पे तो ये लाइन फिक्स होगी कि असली मसाले सच सच भगवान दास जी के छोले जबरदस्त। इनके मसाले देखो स्पेशल मसाले, सारा टेस्ट इन्हीं का ही है। चलिए आपको खा के बताते हैं। मेरे हिसाब से तो इसको 10 में से 10 मिलेंगे, जिस हिसाब से इसका टेस्ट है, विदाउट ऑयल। कभी आपने छोले देखे बिना ऑयल के? तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करके जाना, और साइड में जो बेल आइकन है नीचे उसे जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन टाइम से मिले।